दोस्तों, आप लोग सैम नरूला और अर्शरीत नरूला को तो जानते ही होंगे। ये जोड़ी इन दिनों इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर काफ़ी देखी जा रही है। सैम और अर्शरीत नरूला की जोड़ी को आपने टिकटॉक पर भी ज़रूर देखा होगा। सैम नरूला और अर्शरीत नरूला सोशल मीडिया के क्यूटेस्ट कपल में से एक हैं। इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे सैम और अर्शरीत की लाइफ स्टोरी एंड बायोग्राफी, और साथ साथ जानेंगे सैम और रीत नरूला की रियल लव स्टोरी के बारे में भी। तो वीडियो में बने रहें एंड तक। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम है नाजिम खान और स्वागत है आप सभी का हमारी नई वीडियो में। गाइज, अगर आप अपनी हिंदी चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए पहले जानते हैं सैम नरूला के बारे में कुछ जानकारी। अब हम बदल नहीं सकते, बर्दाश्त कीजिए या तो ब्लॉक कीजिए। ज़रूरत नहीं है, ये सब की अपने। दोस्तों, सैम नरूला का जन्म 31 जुलाई 1998 को पंजाब के चंडीगढ़ शहर में हुआ था। इनके परिवार में करीब 10 लोग हैं, जिनमें इनके दादा दादी, माता पिता, दो बहनें, चाचा चाची और इनकी वाइफ अर्शरीत नरूला हैं। सैम की एज 2021 के अनुसार लगभग 23 साल की हो चुकी है। सैम की एक जॉइंट फैमिली है और बहुत ज़्यादा रिच भी है। सैम ने अपनी एजुकेशन पंजाब से ही पूरी करी है। सैम डांसर, मॉडल, यूट्यूबर एंड बिजनेसमैन हैं। तो चलिए दोस्तों, आप थोड़ी सी जानकारी जानते हैं अर्शरीत नरूला के बारे में। पानी में रहने वाले 3 जानवरों के नाम बताओ। मेंढक। हाँ, और दो? और उसके मम्मी पापा। दोस्तों, अर्शरीत को प्यार से लोग रीत कहकर पुकारते हैं। रीत का जन्म 11 नवंबर 2000 को लुधियाना के मोगा विलेज की एक जाट फैमिली में हुआ था। 2021 के अकॉर्डिंग रीत नरूला की एज 19 साल की है। रीत का फुल नेम अर्शरीत कौर गिल था। इनकी फैमिली में कुल 6 लोग हैं, जिनमें इनके माता पिता, बड़े पापा, चाचा चाची व एक भाई है। रीत की भी एक जॉइंट फैमिली है। अर्शरीत नरूला की एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास है। दोस्तों, आप जानते हैं सैम नरूला और रीत नरूला की प्यारी सी लव स्टोरी के बारे में। गाइस, इनकी लव स्टोरी शुरू होती है टिकटॉक से। एक दिन सैम नरूला टिकटॉक चला रहे थे, तभी फॉर यू पेज में सैम ने रीत की एक लिप सिंस वीडियो देखी और लाइक कर दिया। रीत काफ़ी पहले से टिकटॉक वीडियोस बनाती थी, जबकि सैम ने कुछ दिनों पहले ही टिकटॉक ज्वाइन किया था। अगले दिन फिर सैम ने रीत की टिकटॉक वीडियो देखी, जो उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। तब सैम ने रीत की प्रोफाइल को ओपन किया और सारे वीडियोस देखे, जो उन्हें काफ़ी पसंद आए। अगले दिन सैम ने रीत को मैसेज किया कि मैं आपकी सारी वीडियोस देखता हूँ और आपको लाइक करता हूँ, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो। तभी एक दो दिन बाद रीत का रिप्लाई सैम को आया और ये दोनों डेली चैटिंग करने लगे। देखते देखते काफ़ी दिन बीत गए इनकी बात होते हुए। तभी एक दिन दोनों ने मिलने का फैसला किया। जब सैम और रीत की मुलाकात हुई तो दोनों ने साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड किया, और जब ये दोनों घर वापस लौटने वाले थे तभी सैम ने रीत को प्रपोज कर दिया। रीत ने भी सैम को काफ़ी अच्छे से जान लिया था और पसंद भी करने लगी थी, तो रीत ने सैम को हाँ बोल दिया। फिर ये दोनों रोज़ाना मिलने लगे, और कुछ महीने ही हुए थे इनकी लव स्टोरी को स्टार्ट हुए, तभी रीत की फैमिली को इनके प्यार के बारे में पता चल गया। रीत के पापा काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, तो रीत के पिता ने रीत को खूब डांटा और सैम से बात करने और मिलने के लिए मना कर दिया। जब ये बात सैम को पता चली तो सैम को काफ़ी बुरा लगा। सैम रीत से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे, तो सैम ने फैसला कर लिया था कि वो शादी भी रीत से ही करेंगे। तो सैम ने बिना देरी के सारी बात अपनी फैमिली के साथ शेयर की। सैम घर के लाडले थे, तो घर वालों ने इनकी शादी के लिए हाँ कर दिया, और रीत के घर उनके माता पिता से बात करने चले गए। पर रीत के पिता नहीं माने और उन्होंने शादी के लिए इनकार कर दिया, क्योंकि मामला अलग अलग कास्ट का पड़ रहा था। तभी सैम के घर वाले वापस अपने घर लौट गए, और अगले दिन सैम के पिता कपिल नरूला फिर रीत के घर गए और अकेले में रीत के पिता से बात की और प्यार से समझाया कि इंटरकास्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब समाज की गंदी सोच है। हमें अपने बच्चों की शादी वहीं करनी चाहिए जहाँ वो हमेशा खुश रहें। और दूसरी बात, सैम रीत से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और रीत भी सैम को पसंद करती है, ऐसे में इन दोनों को अलग करना बिल्कुल गलत है। ये सब सुनने के बाद रीत के पिता ने सैम के पिता को हाँ बोल दिया, और दोनों की मर्जी से डेट फिक्स करके शादी कर दी गई। सैम नरूला और रीत नरूला की शादी 6 सितंबर 2019 को कराई गई थी। शादी के बाद दोनों हंसी खुशी रहने लगे। माई वाइफ, कैन आई से दिस अगेन, माई वाइफ। सैम की फैमिली भी रीत को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और सैम के पेरेंट्स तो रीत को अपनी बेटी की तरह ही मानते हैं। सैम की फैमिली हम और आप सबके लिए इंस्पिरेशन है, जिसने समाज के सभी भेदभाव को ध्यान में ना रखते हुए सैम और रीत के प्यार को समझा। अगर सैम और रीत की फैमिली के जैसे सबकी फैमिली हो, तो इंटरकास्ट जैसे शब्द को समाज से जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। शादी के कुछ ही दिनों बाद इन्होंने मिस्टर एंड मिसेज नरूला नाम से यूट्यूब पर एक चैनल बना लिया, और टिकटॉक पर भी कपल वीडियोज़ बनाने लगे। टिकटॉक पर लोगों ने इन दोनों की वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, और कुछ ही महीनों में हज़ार की संख्या से मिलियंस में इनके टिकटॉक पर फॉलोअर्स हो गए।
और जब टिकटॉक को इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया में बैन कर दिया तो ये अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोस बनाने लग गए और इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव रहने लगे। अभी के टाइम में इनके इंस्टाग्राम पर मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। इनका इंस्टाग्राम यूजर नेम मिस्टर मिसेज नरूला है, जिसको हैंडल सैम और रीत दोनों ही करते हैं। अगर बात करें इनके पर्सनल अकाउंट्स की तो रीत के इंस्टाग्राम पर 5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और सैम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 1 लाख फॉलोअर्स पूरे होने वाले हैं। साथ ही इनके यूट्यूब चैनल की बात करें तो इनके यूट्यूब पर 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं, जिसका फोटो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए, ना तुझसे बेहतर ना तेरे जैसा। मिस्टर एंड मिसेज नरूला की यूट्यूब पर बहुत सारी म्यूजिक एल्बम्स भी अवेलेबल हैं, जिसको आप यूट्यूब पर ही देख सकते हैं। अगर बात करें सैम और रीत के बॉडी मेजरमेंट की तो सैम की हाइट है 5 फीट 4 इंच और रीत की हाइट है लगभग 5 फीट 1 इंच। सैम का बॉडी वेट है 69 किलो एंड रीत का बॉडी वेट है करीब 55 किलो। सैम नरूला और रीत नरूला दोनों का ही आईएन हेयर कलर ब्लैक है। अगर बात करें रीत की हॉबीज़ की तो रीत की हॉबीज़ हैं एक्टिंग, ट्रैवलिंग, डांसिंग एंड बुक्स रीडिंग। इनको एक्ट्रेस में पसंद है अक्षय कुमार। रीत के फेवरेट सिंगर हैं गुरु रंधावा। इनको एक्ट्रेस में पसंद है जैकलिन फर्नांडिस। इनके फेवरेट कलर हैं ब्लैक एंड रेड। वहीं बात करें सैम की हॉबीज़ की तो सैम की मेन हॉबीज़ हैं भांगड़ा, बास्केटबॉल एंड लॉन्ग ड्राइविंग। इनके फेवरेट एक्टर हैं टाइगर श्रॉफ। इनको एक्ट्रेस में पसंद है आलिया भट्ट। इनको सिंगर्स में पसंद है नेहा कक्कर। सैम के फेवरेट कलर हैं वाइट एंड ब्लैक। बस मोहब्बत है आपसे, बस मोहब्बत है आपसे। क्यों है, क्या है, कैसे है? क्यों है, क्या है, कैसे? ये नहीं जानते, ये नहीं जानते। बस ये जान लो, बस ये जान लो कि मोहब्बत है आपसे, क्यों मोहब्बत है आपसे। तो दोस्तों ये थी समरीत नरूला और अर्शरीत नरूला की क्यूटेस्ट लव स्टोरी। इस वीडियो में बताई गई सभी जानकारी इंटरनेट से कलेक्ट की गई है। हम उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा बताई गई सभी जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और इंटरेस्टिंग लाइफ स्टोरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।